We say we are connected all the time, but with every technological connection, we go one step away from nature. With so much of our life based on electronic representations of reality, humans actually risk losing touch with our environment. I wanted to search for vacations that allow me as a parent to take my son to places that can experience nature in its undiluted form. I found Velas, a small village off the Konkan coast of Maharashtra, 200 kilometers from Pune. Surrounded by the Sahyadri mountain range and filled with little lagoons by the black sand coast, lies the sleepy village, which is now famous for more than just great beaches and sights. In the months of February, March and April, around 50 homes in this small village play host to the Velas Turtle Festival. I'm here to show Nandu what this is all about. सह्याद्री निसर्ग मित्र ये एनजीओ ने टर्टल कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट हाथ में लिया और 2006 से टर्टल फेस्टिवल उन्होंने आयोजित किया जिससे कि टूरिस्ट इस गांव में आने लगे और टर्टल हैचलिंग्स देखने लगे। आज जो 30 घर हमारे गांव में है जो रहने का इंतज़ाम करते हैं उनके पास लगभग 100-125 लोग उनके पास काम भी करते हैं। तो इन गांव के 100-125 लोगों को फार्मिंग के अलावा एक सस्टेनेबल इनकम चालू हो गया पिछले 12 साल में और यही सफलता है टर्टल फेस्टिवल की और सह्याद्री निसर्ग मित्र का ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया उसकी एक सफलता है। वो आराम करने के लिए आती है, हमारे यहाँ वेलास का बीच ये वर्जिन बीच है उसका आनंद लेने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ सुबह बर्ड वॉचिंग होता है लोगों के थ्रू, उसके वजह से उनको अलग अलग तरह के बर्ड्स दिखते हैं, वो कारण से भी टूरिस्ट अदर देन फॉर टर्टल आने चालू हो गए हैं। हमारा गांव का सीनरी बहुत अच्छा है, हवा पानी बहुत अच्छी है, यहाँ कोई भी पोल्यूशन नहीं है। 100-200 स्क्वायर किलोमीटर के परिसर में एक भी इंडस्ट्री न होने की वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन ये बिल्कुल न होने की वजह से शांति के लिए भी लोग हमारे यहाँ एज अ टूरिस्ट आते रहते हैं।